Dear students, welcome in the video lecture on metallurgy. So, प्यारे बच्चों आपका स्वागत है इस video lecture में, जहां पर आप metallurgy के principles and processes पढ़ेंगे. General introduction हम इस video में पढ़ेंगे और इस video को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि minerals क्या होते हैं, ores क्या होते हैं, native state क्या होती है, कंबाइंड स्टेट क्या होती है एंड मेटलर्जी क्या होती है, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द मेटलर्जी. तो वो हम इस वीडियो में वन बाय वन इसको हम देखेंगे. तो पहले हम ये देखते हैं कि जो मेटल्स होते हैं, मेटल अगर हम देखेंगे अर्थ क्रस्ट में दो फॉर्म में मिलते हैं, या तो वो फ्री फॉर्म में मिलते हैं या वो इस फ्री फॉर्म को हम क्या कहते हैं, अनकंबाइंड स्टेट. इसको हम अनकंबाइंड स्टेट भी कहते हैं और इसी फॉर्म को हम नेटिव स्टेट भी कहते हैं. तो ऐसे मेटल्स प्रेजेंट होते हैं अर्थ में जो या तो फ्री फॉर्म में होते हैं या अनकंबाइंड फॉर्म में होते हैं, इसे हम नेटिव स्टेट भी कहते हैं. और वो मेटल्स कौन है, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, मरकरी है, ये ऐसे मेटल्स हैं जो कि फ्री फॉर्म में मिलते हैं. मिनरल्स क्या होते हैं, इफ यू कंपेयर दिस नेटिव मेटल्स विद द मिनरल्स, दैट मिनरल्स आर द कंबाइंड स्टेट ऑफ मेटल्स विद अदर एलिमेंट्स. तो मिनरल्स क्या होंगे, जो कि एक मेटल के दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइंड स्टेट में, जो उसकी कंबाइंड स्टेट होगी उसको हम मिनरल्स कहते हैं. सो आई थिंक आप समझ गए हैं कि नेटिव स्टेट मीन्स फ्री फॉर्म, मिनरल मीन्स कंबाइंड. अब ओर्स क्या होते हैं, मिनरल्स, मिनरल्स हमने कहा जो एलिमेंट, जो मेटल्स हैं वो मिनरल्स की फॉर्म में होते हैं. वो मिनरल्स जिनसे हम मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली. ऐसे मिनरल्स जिनसे हम, वो मिनरल्स मीन्स मेटल कंबाइंड फॉर्म में है, और इस मिनरल से जब हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इकोनॉमिकली सस्ता पड़ना चाहिए ये प्रोसेस और आसान होना चाहिए, तब हम ऐसे मिनरल्स को क्या कहते हैं, ओर कहते हैं. क्यों, अगर आप देखें, अगर मैं बात करूं सॉइल की, अगर मैं सॉइल की बात करूं तो सॉइल किससे बनी हुई है, एल्यूमिनो सिलिकेट्स, एल्यूमिनो सिलिकेट्स. तो आप देखेंगे कि इस सॉइल में एल्यूमिनो सिलिकेट्स हैं और बहुत हाई अमाउंट में एल्यूमिनियम भी है और सिलिकॉन भी है. ये मिनरल है, एल्यूमिनो सिलिकेट मिनरल है, लेकिन क्या हम इस एल्यूमिनियम को और सिलिकॉन को इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली, क्या हम इसको इस सॉइल में से सेपरेट कर सकते हैं, नहीं. तो जब हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं तो ये क्या है, मिनरल है. ऐसा मिनरल जिसमें से हम एल्यूमिनियम या सिलिकॉन को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये मिनरल है. लेकिन ऐसा मिनरल जिसमें से हम उसको कन्वीनियंटली सेपरेट कर सकते हैं, जैसे बॉक्साइट है, Al2O3, इसमें से हम एल्यूमिनियम को सेपरेट कर सकते हैं इजीली, तो ये क्या हो जाएगा, ओर. ऐसा मिनरल जिसमें से हम मेटल को इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली सेपरेट कर सकते हैं उसको हम कहते हैं ओर. तो इसका मतलब है सारे ओर्स क्या होते हैं, मिनरल होते हैं, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स. सारे मिनरल्स तो ओर नहीं होते, क्योंकि सारे मिनरल से हम मेटल को सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन सारे ओर क्या होते हैं, मिनरल होते हैं. अब हम समझ गए हैं कि जो ओर होगा उसमें से हम मेटल को सेपरेट कर लेंगे. और प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स, अब वो प्रोसेस जिसमें हम ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसकी रिफाइनिंग करते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेटलर्जी. क्या कहते हैं, मेटलर्जी. तो मेटलर्जी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मेटल को ओर से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन मेटलर्जी. मेटलर्जी में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो कि इन्वॉल्व्ड होते हैं. सो दीज आर डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमें ओर हमारे पास होता है, यानी रॉक की फॉर्म में हो सकता है, तो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो होगा ग्राइंडिंग और क्रशिंग. हम क्या करते हैं, जो ओर होगा उसको ग्राइंडिंग या उसकी क्रशिंग करते हैं, तोड़ तोड़ के उसको छोटा कर देंगे. और जो जो
क्रश्ड या ग्राइंड ओर होगा उसको फिर क्या करेंगे, उसका पल्वराइजेशन, मींस उस ओर को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और ये जो पाउडर फॉर्म में ओर होगा, उस पाउडर फॉर्म का फिर हमने उसमें ओर का कंसंट्रेशन करना है। क्योंकि आप ये देखेंगे, अगर मैं एक रॉक लाऊं, उस रॉक में उस पर्टिकुलर मेटल के ओर के अलावा और भी बहुत कुछ होगा, तो उसमें से मैं चाहती हूं कि केवल उसमें ओर रहे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा, कंसंट्रेशन, यानी ओर ही ओर रहेगा। उस कंसंट्रेशन ओर करने के बाद, मतलब ओर उसमें होगा मेन पार्ट, फिर हम उस कंसंट्रेटेड ओर का क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन, उस कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं। और जब हम उसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देंगे, देन वी रिड्यूस दैट ऑक्साइड्स, उस ऑक्साइड का रिडक्शन करके उसको मेटल में कन्वर्ट कर देंगे। और जो मेटल होगा, उसके बाद उस मेटल का हम क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग। तो दीज आर सेवरल स्टेप्स, अगर आप देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 मेन स्टेप्स हैं मेटलर्जी के, जो मेटल को एक्सट्रैक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं एक ओर से। तो पहला स्टेप हम देख रहे हैं ग्राइंडिंग और क्रशिंग। तो हम क्या करते हैं, ये जॉ क्रशर है या हैमरिंग, हैमरिंग से भी हम कर सकते हैं, या हम जॉ क्रशर के थ्रू या ग्राइंडर के थ्रू, जो ओर्स के बड़े बड़े पीस होते हैं उनको हम स्मॉल पीस में क्रश कर रहे हैं। देखिए, जॉ क्रशर के बीच में इतना बड़ा हम रॉक लेके आए और उसको छोटे छोटे पार्ट में हमने क्या कर दिया, क्रश कर दिया। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। द सेकेंड स्टेप इज पल्वराइजिंग द ओर। पल्वराइजिंग द ओर का मतलब जो क्रश्ड पीसेस हैं उनको हम क्या कर रहे हैं, पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। और ये पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम हम स्टैम्प मिल या पल्वराइजर्स में करते हैं। अब हमने पाउडर भी कर दिया। पाउडर करने के बाद जो थर्ड स्टेप है वो है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, मतलब ओर की ड्रेसिंग, जो फालतू की चीजें हैं उनको हटाना है और केवल ओर को ही रहना है। अब किसमें हमें जो चाहिए, ओर चाहिए, तो ओर की ड्रेसिंग करनी है, यानी हमें क्या करना है, इम्प्योरिटीज को रिमूव करना है। इम्प्योरिटीज को हम क्या कहते हैं, जनरली जो इम्प्योरिटीज होती हैं उसको हम गैंग कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो पल्वराइज्ड ओर हमको मिला, उस ओर में से इम्प्योरिटीज को अलग करना कहलाता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या ओर ड्रेसिंग भी से हम कहते हैं। इम्प्योरिटीज को हम कहते हैं गैंग या मैट्रिक्स। ये हम कैसे कैसे कर सकते हैं, ये इसको करने के डिफरेंट मेथड्स हैं, और वो मेथड्स हैं हैंड पिकिंग, विल्फ्लेट टेबल मेथड, जिसको हम देखेंगे हाइड्रोलिक मेथड है और इसको ग्रेविटी मेथड भी कहते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस हो सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन हो सकता है, या लीचिंग हो सकती है। इनमें से कोई भी मेथड हम यूज कर सकते हैं, और ये डिपेंड करता है कि कौन सा ओर है, उस ओर पर डिपेंड करेगा उसकी प्रॉपर्टी कैसी है, उसके हिसाब से हम उसमें से इम्प्योरिटी को हटा सकते हैं। सबसे पहला मेथड है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स वो इम्प्योरिटीज को हम अलग कर सकते हैं जो कि आंख से दिखती है, जैसे हम दाल साफ करते हैं, तो वो हैंड पिकिंग कहलाती है कि हम उसमें से क्या कर सकते हैं, इम्प्योरिटीज, विजिबल इम्प्योरिटीज को हम रिमूव कर सकते हैं बाई हैंड पिकिंग। दूसरा जो मेथड है वो विल्फ्ले टेबल एंड हाइड्रोक्लिक क्लासिफायर मेथड, और इन दोनों को मिला के हम इसे ग्रेविटी सेपरेशन मेथड भी कहते हैं। जनरली ये सेपरेशन डेंस ओर के लिए किया जाता है, जिनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है, जैसे SNO2 है, Fe2O3 है, ये हेमेटाइट है, और ये टिन स्टोन है, यानी जो भारी ओर होंगे उनके लिए हम ये मेथड को यूज कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा अलग अलग मेथड अलग अलग ओर के लिए यूज किए जाएंगे, और इसमें सेपरेशन का बेसिस भी क्या है, डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ ओर एंड इम्प्योरिटीज। जो ओर है और उसकी इम्प्योरिटी के बीच में जो डेंसिटी का डिफरेंस है, उसका फायदा उठाते हुए हम इस मेथड से कंसंट्रेशन करते हैं। तो देखिए, एक ये वाइब्रेटिंग टेबल है, और इस वाइब्रेटिंग टेबल में आप देख रहे हैं कि यहाँ ये एक क्या है, एक स्लैंटिंग डिस्क है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमने क्या रख दिया, ओर रखा यहाँ पर, और यहाँ से पानी की तेज जो धार है वो डाली इस ओर पर। तो आप देखेंगे जो हल्के ग्रीन कलर के जो पार्टिकल्स हैं वो तो पानी के साथ आ जाएंगे, और जो भारी जो ओर है वो इस
स्लेंटिंग पार्ट में ही रह जाएगा। तो आप देख रहे हैं ग्रेविटी सेपरेशन बेस्ड ऑन डेंसिटी, इम्प्योरिटीज हल्की हैं तो वो यहाँ आ गई और जो भारी ओर है वो यहीं रह गया, तो सेपरेशन हो गया, इम्प्योरिटीज अलग हो गई और ओर अलग हो गया। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्लोट प्रोटेशन प्रोसेस। फ्लोट प्रोटेशन प्रोसेस जनरली किया जाता है लो ग्रेड सल्फाइड ओर्स के लिए, जैसे जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, कॉपर सल्फाइड, आयरन सल्फाइड, इनके लिए ये प्रोसेस की जाती है कंसंट्रेशन करने के लिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, हर एक कंसंट्रेशन के लिए हम क्या करेंगे, पाउडर्ड ओर लेंगे, यानी जो पल्वराइज्ड ओर है। हैंड पीकिंग भी पल्वराइज्ड ओर के लिए करेंगे, विल्फ्ले मेथड भी पल्वराइज्ड ओर के लिए करेंगे, और ये मेथड भी पल्वराइज्ड ओर के लिए हम यूज कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, पल्वराइज्ड ओर उसमें पानी डालेंगे और उसकी स्लरी जो है एक फ्लोटेशन टैंक में डाल देंगे। ठीक है, फ्लोटेशन टैंक में डालने के बाद आप देखेंगे उसमें, उस टैंक में हम पाइनोल भी ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि ये फ्लोटेशन जो टैंक है उसमें हमने क्या डाला है, वाटर है, देखिए वाटर कंटेनिंग पाइनोल। ठीक है, और उसमें प्लस क्या है, ओर भी है, हमारा ओर है सल्फाइड ओर। ओके, और इसमें जब हम एक कंप्रेस्ड एयर पास करते हैं तो कंप्रेस्ड एयर पास करने से क्या होगा कि ये फ्रोथ डेवलप होगा। देखिए इसके ऊपर जो है झाग आ गए, झाग, और ये झाग में कौन आ जाएगा, सल्फाइड ओर, और जो इम्प्योरिटीज है, जो गैंग है, वो गैंग जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। दिस इज इम्प्योरिटी। तो क्या होगा, जो सल्फाइड ओर है वो तो फ्रॉथ की फॉर्म में ऊपर आ गया है, उसको हम अलग सेपरेट कर लेंगे और इम्प्योरिटीज क्या हो गई, सबसे नीचे सेपरेट हो गई। तो आप देख रहे हैं ये जो मेथड है ये सल्फाइड्स के, अगर सल्फाइड ओर है उसके कंसंट्रेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट मेथड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन आप जान ही रहे नाम से, हम किसका करेंगे, ऐसे मिनरल्स जो कि मैग्नेटिक होंगे, और अगर उनमें इम्प्योरिटी क्या होगी, नॉन मैग्नेटिक होगी। फॉर एग्जाम्पल वुल्फ्रेमाइट ओर है जिसमें आयरन, मैग्नीज एंड डब्लू होता है, टंगस्टन, और उसके साथ अगर इम्प्योरिटी किसकी हो, नॉन मैग्नेटिक पार्ट की, जो कि स्टीन का ऑक्साइड है, तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे। मतलब इम्प्योरिटीज तो नॉन मैग्नेटिक है और मैग्नेटिक क्या है, हमारा ओर है। तो आप देखेंगे कि क्या होता है इसमें, देखिए दो इसमें पार्ट आपको दिख रहे हैं, तो एक पार्ट एक सिलेंडर टाइप का है, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर, और यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैग्नेट लगा हुआ है, और ये इसमें रोलर लगे हुए हैं, ये जो रोलर हैं ये चलते रहेंगे, मतलब रबर के हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने पाउडर्ड ओर ले लिया जिसमें कि इम्प्योरिटीज भी है, मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक पार्ट है, ओर भी है, यहाँ से हमने डाला, तो यहाँ से मैग्नेटिक जो हमने इसमें मैग्नेट रखा है उसके प्रभाव से क्या होगा कि जो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है वो तो इस मैग्नेट से दूर चला जाएगा और जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो इसके पास आएगा। तो आप देख रहे हैं मैग्नेटिक ओर तो यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल जो कि इम्प्योरिटी है वो यहाँ कलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस किसी और का जो कि मैग्नेटिक है उसका हम कंसंट्रेशन कर सकते हैं। देन लीचिंग, एक और मेथड है जो कि लीचिंग मेथड है, और लीचिंग मेथड क्या है, केमिकल मेथड है, केमिकल मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ओर, जिसमें हम क्या करेंगे, जो ओर होगा उसमें एक सुटेबल रिएजेंट ऐड करेंगे। तो क्या होगा कि ओर उस सुटेबल रिएजेंट में क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा, लेकिन इम्प्योरिटी उस रिएजेंट में सॉल्युबल नहीं होगी। तो जनरली क्या करते हैं, ये जैसे हमने क्या किया, बॉक्साइट, बॉक्साइट को किस में कन्वर्ट करते हैं, NaAlO2 में, ये इंसॉल्युबल है, इसको NaAlO2 में कन्वर्ट करते हैं, हम किससे ट्रीट करते हैं, NaOH या Na2CO3 से। तो क्या होगा कि ये जो बॉक्साइट है वो तो NaOH या Na2CO3 में घुल जाएगा, लेकिन जो इसके साथ अटैच्ड इम्प्योरिटीज होंगी वो डिसॉल्व नहीं होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, NaAlO2 हमें सॉल्युबल फॉर्म में मिल गया, बाकी सब कुछ इनसॉल्युबल फॉर्म में है। तो इस सॉल्युबल फॉर्म से फिर हम इसमें से एक सुटेबल रिएजेंट की हेल्प से फिर से हम इसमें से जो Al2O3 है उसको फिर से रिकवर कर सकते हैं। तो हमें दो सुटेबल रिएजेंट यूज करने होंगे, एक बार इसको डिसॉल्व करना है और एक बार फिर इस डिसॉल्व्ड आइटम से इसको रिकवर करना है। तो ये लीचिंग प्रोसेस है, तो किसी किसी मेटलर्जी में हमें लीचिंग के थ्रू भी कंसंट्रेशन करना पड़ सकता है। सो दिस इज द थर्ड स्टेप ऑफ द मेटलर्जी। नाउ द फोर्थ स्टेप, व्हाट इज द फोर्थ स्टेप, द फोर्थ स्टेप क्या है, फोर्थ स्टेप है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू ऑक्साइड। अब क्या करना है, हमारे पास आ गया ओर, जो एक्चुअल ओर है,
और ओर का कन्वर्जन करना है ऑक्साइड में। तो ये कन्वर्जन हम दो मेथड से करते हैं, एक तो होता है कैल्सिनेशन और एक होती है रोस्टिंग। कैल्सिनेशन का मतलब है हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर, जो ओर हमें मिला है कंसंट्रेटेड उसको अगर हम एब्सेंस एयर की एब्सेंस में अगर हीट करें तो कैल्सिनेशन है, अगर हम उसको एयर की प्रेजेंस में हीट करें तो वो रोस्टिंग है। तो नाउ वी विल स्टडी द कैल्सिनेशन प्रोसेस इन डिटेल। अब हम कैल्सिनेशन प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे, हम देखेंगे कैल्सिनेशन क्या है, जो प्रोसेस है हीटिंग की वो इन एब्सेंस ऑफ एयर, और इसमें क्या होता है जो वोलेटाइल इंप्योरिटीज होती हैं जैसे CO2, SO2, मॉइस्चर, ऑर्गेनिक मैटर, ये रिमूव की जाती है। केवल हीटिंग है किसकी, ओर की, जो कंसंट्रेटेड ओर आया। तो यहाँ ये जनरली कहाँ होती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस में, और रिवर्बरेटरी फर्नेस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एस की फॉर्म में होती है, और जनरली ओर को क्या करते हैं उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे हम क्या करते हैं हीट करते हैं। तो ये देखिए ओर रखा हुआ है, ओर है, यहाँ से फर्नेस से हीटिंग हो रही है और यहाँ से आप देखेंगे जो भी गैस होगी वो यहाँ से निकल जाएगी और हमारा ओर जो है वो हमें कंसंट्रेटेड ओर यहाँ पर मिल जाएगा जो कि ऑक्साइड की फॉर्म में हमें मिलेगा। तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल है या मॉइस्चर है ये या CO2 है वो यहाँ से क्या करेगा, एस्केप करेगा। तो कैल्सिनेशन प्रोसेस अगेन इट टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ एयर, रिमूवल ऑफ वाटर। देखिए क्या क्या किस किस में हो सकता है ये कैल्सिनेशन, जैसे देखिए बॉक्साइट है, बॉक्साइट में सिर्फ इसको हीट किया है तो ये H2 अलग हो गया और Al2O3 क्या बन गया, ऑक्साइड। देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड अलग हो गया। फिर आप देख रहे हैं हेमेटाइट जिसमें 3H2O होते हैं, इसको हीट करेंगे तो H2O रिमूव हो जाएगा, तो देखिए वाटर रिमूव हो गया। ठीक है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स मींस जो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हैं उनका कैल्सिनेशन हम कर सकते हैं, या फिर किनका कर सकते हैं, कार्बोनेट्स का, कार्बोनेट ओर का कैल्सिनेशन कर सकते हैं। जैसे CaCO3 की इसको हीट करेंगे तो CO2 निकल गई, देखिए ऐसे ही ये कॉपर कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट का जो इसमें आप देख रहे हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में क्या हो गया, जो गैस है वो रिमूव हो जाएगी और ये जो ओर है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मेन क्या इसमें हम करते हैं, जो भी हमें कंसंट्रेटेड ओर मिलते हैं वो हाइड्रेटेड ऑक्साइड्स हो सकते हैं या वो कार्बोनेट्स हो सकते हैं, उनका हम कैल्सिनेशन करते हैं, और कैल्सिनेशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएंगे, ऑक्साइड्स मिल जाएंगे। ओके, देखिए ऑक्साइड्स मिले तो हमें ऑक्साइड्स मिलेंगे, हमें एयर इसमें एयर पास करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा जो मेथड है हमारे पास वो रोस्टिंग, और रोस्टिंग का मतलब है ये जो रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और यहाँ पर भी हम क्या करते हैं जो ओर को हीट करते हैं बिलो दी मेल्टिंग पॉइंट करते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है जनरली, ये क्या काम है, ये ओर को ड्राई करने का काम करता है, और वोलेटाइल इंप्योरिटीज यहाँ पर भी क्या होती हैं, अलग होती हैं, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या होती हैं, अलग होती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जनरली किन के लिए हम करते हैं रोस्टिंग, सल्फाइड ओर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ये जो सल्फाइड ओर्स हैं वो किस में बदल जाते हैं, ऑक्साइड्स में, और ये जो गैस की फॉर्म में इम्प्योरिटीज अलग हो जाती है। तो आप देखिए मतलब जो इम्प्योरिटीज, तो जो एस है सल्फर से क्या बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड, और जितने भी हमारे सल्फाइड ओर हैं वो किस में बदल गए, ऑक्साइड्स में। तो जनरली जब हमें रोस्टिंग करनी होगी तो किन की करनी होगी, सल्फाइड ओर्स की। जब हमें कैल्सिनेशन करना होगा तो किसका करना, हाइड्रेटेड ओर्स का या फिर कार्बोनेट ओर्स का। ओके, तो ये दो मेथड थे रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन, जिसकी हेल्प से हमने जो कंसंट्रेटेड ओर था उनको किसमें कन्वर्ट कर दिया, ऑक्साइड में। ऑक्साइड में कन्वर्ट होने के बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऑक्साइड्स हैं उनका रिडक्शन करना होगा, क्योंकि हमें फाइनली क्या चाहिए, मेटल फॉर्म में चाहिए। तो स्टेप 5 जो है वो है कि जो हमारे पास क्या है, जो ऑक्साइड्स आ गए हमारे पास उनको हमने किस में कन्वर्ट करना है, मेटल में। इस रिडक्शन के भी कई सारे मेथड होते हैं बच्चों, जैसे ये पहला जो रिडक्शन मेथड हमने लिखा है कार्बन रिडक्शन मेथड, जिसे हम स्मेल्टिंग भी कहते हैं। तो ये स्पेशल प्रोसेस है जिसे हम स्मेल्टिंग कहते हैं, और इस स्मेल्टिंग के थ्रू हम लेड, जिंक, आयरन, कॉपर, टिन, इनके जो ऑक्साइड्स हैं उनका रिडक्शन कर सकते हैं मेटल में। जैसे ZnO को हमने जिंक में कन्वर्ट कर दिया, PbO को Pb में कन्वर्ट कर दिया, Fe2O3 को Fe में, NCO को CO में। तो ये प्रोसेस स्मेल्टिंग की प्रोसेस है जब हम कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। देखिए कार्बन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो कार्बन जब रिडक्शन करेगा तो स्मेल्टिंग है। बार बार ध्यान रखिए, बहुत सारे तरीके के रिडक्शन आप देखेंगे पर जब कार्बन से होगा, और रिडक्शन मेथड्स में सबसे इंपॉर्टेंट मेथड ही क्या है, स्मेल्टिंग। तो अगर आपसे कोई कहता है कि स्मेल्टिंग क्या है, सो इट इज अ रिडक्शन मेथड वेयर द ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स
they are reduced to the metal, the respective metals when they react with carbon. तो reduction किससे कर रहे हैं? Carbon से. क्या हो सकता है? Charcoal use कर सकते हैं, coal use कर सकते हैं, coke use कर सकते हैं as a source of carbon. कहाँ होती है ये जो process होती है? तो reverberative furnace में होती है, blast furnace में होती है. Generally ये जो process है ये blast furnace में करते हैं. और अगर आप देखेंगे this is the figure of blast furnace. और इसके देखेंगे blast furnace में जो temperature range है वो अलग अलग होती है. सबसे ऊपर अगर आप देखेंगे तो सबसे कम टेम्परेचर, और सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो सबसे अधिक टेम्परेचर होता है. बट इसमें जो हमने लिखा है उसको हम अभी और थोड़ा देख लें कि उसमें क्या क्या पार्ट हमने लिखे हैं और वो उसका मतलब क्या होता है. कार्बन रिडक्शन के लिए एक जरूरत और है कि हम एक तो कार्बन यूज करें, दूसरा हम फ्लक्स यूज करें. फ्लक्स फ्लक्स क्या करता है? ये एड किया जाता है ओर के साथ. इससे क्या होता है कि जो नॉन फ्यूजेबल इम्प्यूरिटीज होती हैं, जो फ्यूज नहीं हो सकती हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है. ठीक है. फ्लक्स किसके साथ रिएक्ट करता है? जनरली गैंग के साथ. गैंग क्या था? इम्प्योरिटी. गैंग क्या था? इम्प्योरिटी. इम्प्योरिटी में भी सिलिका, में भी कैल्शियम ऑक्साइड, में भी आयरन ऑक्साइड, ये इम्प्योरिटीज हो सकती हैं. और इसके लिए हम क्या मिलाते हैं? फ्लक्स मिलाते हैं. ठीक है. और जब फ्लक्स और स्लैग मिलते हैं, सॉरी जब फ्लक्स एंड गैंग मिलते हैं, फ्लक्स प्लस प्लस गैंग, जी ए एन जी यू ई, तो ये क्या? जी यू ई. तो ये क्या बनाते हैं? स्लैग बनाते हैं. स्लैग. और स्लैग क्या होता है? अ लो मेल्टिंग मटेरियल दैट फ्लोट्स ओवर मेटल. ये एक ऐसा मटेरियल है जिसको हम अलग कर सकते हैं क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है. ठीक है. तो जो भी हमारी इम्प्योरिटी है फ्लक्स से रिएक्ट करके स्लैग बना देगा, और स्लैग को हम अलग कर लेंगे. स्मेल्टिंग की प्रोसेस नहीं हम करते हैं जब हम कार्बन से करते हैं रिडक्शन. अब ये जो फ्लक्स है ये भी दो तरीके का होता है. एक होता है एसिडिक फ्लक्स, फ्लक्स, और एक होता है बेसिक फ्लक्स. तो ये डिपेंड करता है कि हमें कैसा फ्लक्स मिलाना है. उसके लिए हमें क्या देखनी होगी? इम्प्योरिटी, गैंग कैसा है. सो अगर जो इम्प्योरिटी है, इफ इट इज बेसिक इन नेचर, अगर इम्प्योरिटी बेसिक नेचर की है तो हम एसिडिक फ्लक्स मिलाऊंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये इम्प्योरिटी, हमने इसको क्या कह दिया? ये इम्प्योरिटी है. कैल्शियम ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड यहाँ पर इम्प्योरिटी है. तो मैंने फ्लक्स क्या मिलाया? एसिडिक. ठीक है, ये एसिडिक फ्लक्स है. तो SiO2 will act as एसिडिक फ्लक्स जब इम्प्योरिटी क्या है? बेसिक है. तो क्या बनेगा? स्लैग. सी कैल्शियम सिलिकेट, आयरन सिलिकेट, दीज आर, ये क्या है? स्लैग बन गया. ओके. अब दूसरा तरीके का हम बेसिक फ्लक्स भी यूज कर सकते हैं. कब? जब हमें एसिडिक इम्प्योरिटी रिमूव करनी हो. मान लीजिए हमारे इसमें जो इम्प्योरिटी है वो SiO2 है जो कि कैसी है? एसिडिक है. तो हम क्या यूज करेंगे? इसमें जो हम फ्लक्स यूज करेंगे वो बेसिक फ्लक्स यूज करेंगे, और बेसिक फ्लक्स क्या करेगा? फिर ये स्लैग बना देगा. तो ये डिपेंड करेगा कि हमें इम्प्योरिटी क्या है, उसी तरीके का हम उसमें फ्लक्स एड करेंगे उसका अपोजिट, और क्या बना देगा वो? वो बना देगा स्लैग, और उस स्लैग को सेपरेट किया जा सकता है. तो दो चीजें आप याद रखेंगे. स्मेल्टिंग में हम क्या यूज करते हैं? कार्बन से रिडक्शन करते हैं ऑक्साइड्स का, और वहां पर हम फ्लक्स भी यूज करते हैं. फ्लक्स में भी एसिडिक और में भी बेसिक, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ इम्प्योरिटी. ये ब्लास्ट फर्नेस है क्योंकि मैं आपको रिवर्बरेटरी फर्नेस पहले भी दिखा चुकी हूँ. ब्लास्ट फर्नेस को अगर आप देखेंगे तो ये आयरन के लिए ब्लास्ट फर्नेस को यूज किया गया है, और आयरन का जो सल्फाइड है उसको, जो ऑक्साइड था उसमें से आयरन को सेपरेट किया गया है. तो आप देखेंगे आयरन ओर लिया है, कोक लिया है, और साथ में लाइम स्टोन क्योंकि ये फ्लक्स की तरह एक्ट करेगा. और इसको जब यहाँ से ऐड करेंगे तो यहाँ से तो गैसेस, वेस्ट गैसेस बाहर निकलेंगी, और नीचे आने तक आप देखेंगे कि ये सबसे नीचे आपको आयरन मिल रहा है, और आयरन के ऊपर जो मेटल है उसके ऊपर आपको क्या मिल रहा है? स्लैग मिल रहा है. स्लैग को हम अलग कर सकते हैं और मेटल को अलग कर सकते हैं. तो आप देख रहे हैं स्मेल्टिंग प्रोसेस से हम ऑक्साइड को किस बदल रहे हैं, मेटल में बदल रहे हैं. पर सारे मेटल्स के लिए हम ये मेथड यूज नहीं कर सकते हैं. अलग अलग मेथड अलग अलग मेटल के लिए यूज किया जाता है. तो दूसरा मेथड हम देख रहे हैं कार्बन मोनोऑक्साइड रिडक्शन मेथड. तो किसी किसी के लिए हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड भी यूज करना पड़ता है, और उसमें आप देखेंगे जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो लेड ऑक्साइड है इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड का भी यूज कर सकते हैं हम, और लेड में ही कन्वर्ट होता है. आयरन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और क्यूप्रिक ऑक्साइड के लिए भी हम यूज कर सकते हैं. तो जरूरी नहीं है कि हम कार्बन से ही रिडक्शन करें. अगर कार्बन से इजी रिडक्शन है तो हम कर सकते हैं. देन वी कैन यूज अदर मेथड्स लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड मेथड, हाइड्रोजन रिडक्शन मेथड.
अब आप देख रहे हैं यहाँ पर टंगस्टन एंड जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्साइड्स हैं, उनका रिडक्शन इतना आसान नहीं होता है, तो उनका रिडक्शन करने के लिए हम हाइड्रोजन को यूज कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें मेटल मिल गया है रिडक्शन के बाद। इसके बाद आप देख रहे हैं मैग्नीशियम रिडक्शन मेथड हो सकता है, जैसे रुबिडियम है, इसके लिए रिडक्शन के लिए मैग्नीशियम यूज करते हैं और किसी मेथड से इसका रिडक्शन नहीं हो पाता, इसलिए हम मैग्नीशियम रिडक्शन मेथड करते हैं। तो देखिए आप जो ऑक्साइड था उससे हमें क्या मिल गया, उसका मेटल मिल गया। एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड यूज किया जा सकता है। ट्रांजिशन मेटल्स के केस में अगेन वी कैन यूज दीज थ्री काइंड ऑफ मेथड्स। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन रिडक्शन, मैग्नीशियम रिडक्शन एंड एल्यूमिनियम रिडक्शन मेथड्स यूज किए जा सकते हैं ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। कभी कभी क्या होता है कि सेल्फ रिडक्शन मेथड भी यूज किया जाता है, मतलब ऑटो ऑक्सीडेशन हो जाता है कभी कभी। ये मेथड भी रिडक्शन करता है मेटल का, ये ऑटोमेटिकली अंदर होता है। किसके केस में? मर्करी, कॉपर, लेड, एंटीमनी के केस में क्या होता है, कभी कभी उनके सल्फाइड्स कंप्लीटली ऑक्साइड में कन्वर्ट नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि क्या होगा, ये जो प्रोसेस मैंने लिखी है ये प्रोसेस है रोस्टिंग की। देखिए रोस्टिंग हुई और ये HGS किस में कन्वर्ट हो गया, HGO में। तो कभी कभी क्या होता है कि ये जो कन्वर्जन है ये पार्शियल हो जाता है, और जब ये पार्शियल होता है तो उसमें थोड़ा सा क्या बच जाएगा, HGS बच जाएगा, मतलब पूरा HGS HGO में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो HGS बच गया। और ये HGS क्या करता है, इस HGO के साथ फिर से रिएक्ट करता है, और फर्दर रिएक्ट करने के बाद इट विल फॉर्म द मेटल। तो कई बार क्या होता है, कार्बन भी यूज नहीं हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी यूज नहीं हो रहा है, एल्यूमिनियम भी यूज नहीं हो रहा है, हाइड्रोजन भी यूज नहीं हो रहा है, मैग्नीशियम भी यूज नहीं हो रहा है। कई बार क्या हो रहा है, ऑटो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑटो अंदर ही हो जा रहा है कि कंप्लीट पार्शियल, जब रोस्टिंग हो रही थी, पार्शियल ऑक्सीडेशन हो रहा था, तो उस केस में जो ऑक्साइड है वो सल्फाइड से रिएक्ट करके क्या कर रहा है, मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। फिर एक रिडक्शन मेथड और है, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन मेथड। और इलेक्ट्रोलिटिक में जो रिडक्शन मेथड है जनरली एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए किया जाता है। ये हम देखेंगे भी जब आप लिथियम और बेरिलियम की मेटलर्जी पढ़ेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन की हेल्प से हम कैसे जो एल्कली मेटल्स एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि क्योंकि ये मेटल्स क्या होते हैं, कार्बन के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो कार्बाइड बना देते हैं, तो इनका हम रिडक्शन नहीं कर सकते इस मेथड से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं उनका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जिससे हमें मेटल कहाँ पर मिलता है, कैथोड की सरफेस पर। तो कैथोड की सरफेस में हमें मेटल मिलता है, इसको भी हम अभी देखेंगे कि कैसे आप वो एग्जाम्पल भी यहाँ पर दे सकते हैं इस मेथड में, तो रिडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन हम कर सकते हैं। फिर एक मेथड और है रिडक्शन का, अमलगमेशन मेथड। अमलगमेशन मेथड नोबल मेटल्स का कर सकते हैं, जैसे सिल्वर एंड गोल्ड है उनके केस में अमलगमेशन कर सकते हैं। अमलगमेशन में क्या करते हैं, हम ये मेटल की क्या लेंगे, स्लरी किसके साथ बनाएंगे, हम इसकी स्लरी बनाएंगे, और इस स्लरी को क्या करेंगे, एक कॉपर या ब्रास प्लेट जिसको हमने किससे कोट किया होगा, मरकरी से। जैसे ये प्लेट है, ये मान लीजिए किसकी बनी है, कॉपर की, और इसके ऊपर से हमने किसकी कोटिंग की हुई है, मरकरी की। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसको स्लेंटिंग पोजीशन पर रखेंगे और यहाँ से क्या होगा, मेटल को पास करेंगे इसमें से। तो ये जो मेटल होगा ये मरकरी के साथ क्या बना देगा, अमलगम बना देगा। ठीक है, अमलगम बनाएगा, अंदर की साइड इसमें क्या है, मरकरी है, और बाहर से कॉपर है, तो आप देखेंगे ये अमलगम बनाएगा। आप जानते हैं अमलगम मेटल का मरकरी के साथ जो फ्यूज्ड फॉर्म होगा उसको हम अमलगम कहेंगे, और फिर उस अमलगम का क्या करेंगे, हम डिस्टिलेशन करेंगे, जिससे कि हमें मरकरी जो है वो अलग मिल जाएगी और जो मेटल होगा वो अलग मिल जाएगा। तो अमलगमेशन प्रोसेस से भी हम क्या कर सकते हैं, रिडक्शन कर सकते हैं। तो हमने क्या क्या करना सीखा, देखिए सबसे पहले हमारे पास ओर था, रॉक फॉर्म में हमने क्रशिंग करी एंड ग्राइंडिंग करी, देन दूसरा स्टेप हमने उसका पाउडर फॉर्म में ले आए, जब हम उसको पाउडर फॉर्म में ले आए फिर हमने उसका कंसंट्रेशन किया, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप हमने क्या किया, उसका ऑक्सीडेशन किया, ऑक्साइड्स बनाए, और पाँचवा स्टेप हमने क्या किया, जो ऑक्साइड्स थे उनका रिडक्शन किया मेटल में। अब मेटल मिल चुका है, मेटल हमें मिल चुका है, अब मेटल का क्या करना है, प्यूरिफिकेशन और रिफाइनिंग। अब जरूरी नहीं है जो मेटल हमें मिला है वो एकदम प्योर फॉर्म में हो, तो हमें उसका क्या करना है, रिफाइनिंग करनी होगी, उसका प्यूरिफिकेशन करना होगा। अब ये जो प्यूरिफिकेशन है वो भी कई सारे मेथड्स से हो सकता है, लिक्विफिकेशन कर सकते हैं, लिक्विफिकेशन मतलब हम उसे मेल्ट कर दें। ठीक है, तो जब मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट है, इम्प्योरिटीज हो सकता है उसमें कुछ रह गई हो, तो उस मेटल का जब मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, इम्प्योरिटी का ज्यादा होता है, तो क्या होगा, आपका मेटल जो है वो मेल्ट हो जाएगा, तो आप उसको अलग कर लेंगे।
तो लिक्विशन कहते हैं, उसको लिक्विड फॉर्म में ले आए हम मेटल को और उसको अलग कर लिया और जो इम्प्योरिटी है वो मेल्ट नहीं हुई, ठीक है। दूसरा मेथड हो सकता है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन मेथड हम कम करेंगे जब मेटल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत कम होगा, तो मेटल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा और इम्प्योरिटीज का क्या होगा, अधिक होगा। तो क्या होगा कि ये जो मेटल्स हैं वो पहले सेपरेट आउट हो जाएंगे, पहले डिस्टिल हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा मेथड है ऑक्सीडेशन का। ये जो ऑक्सीडेशन का मेथड है यहाँ पर हम इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज करते हैं, ये जो मेथड है ये मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। फिर एक इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस हो सकती है जिसके थ्रू आप केवल मेटल को ही क्या कर सकते हैं, अब मेटल को ही प्योरीफाई कर सकते हैं क्योंकि मेटल हमें कहाँ मिल जाता है, कैथोड की सरफेस पर। फिर एक मेथड और है वेपर फेज मेथड, जहाँ पर आप देखेंगे मेटल को हम उसकी स्टेबल वेपर में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब मेटल तो वेपर आसानी से बना ले और इम्प्योरिटीज ना बना पाए, तो इस मेथड से हम उसको प्योरीफाई कर सकते हैं। फिर एक मेथड और है जोन रिफाइनिंग मेथड, जिसको मैं एक्सप्लेन करेंगे। इन दो मेथड में एक्सप्लेन आपको फुली करूंगी, ऑक्सीडेशन एंड जोन रिफाइनिंग मेथड। एक मेथड और है क्रोमेटोग्राफिक मेथड, जिनसे हम लैंथेनाइड्स का सेपरेशन करते भी हैं, ठीक है। और एक मेथड है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, जिनकी हेल्प से हम सॉल्वेंट को यूज करके मेटल्स को प्योरीफाई कर सकते हैं। इसमें से जो मेन मेथड ले रहे हैं, एक ले रहे हैं ऑक्सीडेशन मेथड। ऑक्सीडेशन देखिए, ऑक्सीडेशन हमने पहले भी यूज किया था रोस्टिंग के थ्रू, बट वहां पर हमने मेटल को ओर को ऑक्सीडाइज किया था। यहाँ पर जो मेथड है इसमें हम इम्प्योरिटी को ऑक्सीडाइज करेंगे, ठीक है। दो मेथड है, एक है क्यूपिलेशन की प्रोसेस और एक है बेसिमराइजेशन की प्रोसेस, जो कि आपने पढ़ी होंगी सुनी होंगी। तो ऑक्सीडेशन मेथड में जो क्यूपिलेशन प्रोसेस है, ये प्रोसेस अगर आप वहां सुनार के वहां जाते होंगे तो आपने देखा भी, तो इसमें क्या होता है कि एक क्यूपेल, एक कटोरी क्यूपेल शेप का, बोट शेप का एक क्या होता है डिश होगी, जो कि बोन ऐश से बनी होती है, सीमेंट से बनी होती है। तो देखिए इसमें हमने क्या डाल दिया, अपना मेटल जो कि इम्प्योर है, इसमें और इम्प्योरिटी भी है। आपने देखा होगा जब हम गोल्ड लेके जाते हैं तो वो उसको, अगर मैं पुराना गोल्ड लेके जाऊंगी तो उसको जला देते हैं, जलाते हैं उसके बाद आप देखेंगे उसको कई बार इस क्यूपेल में गर्म भी करते हैं, गर्म करने के बाद जो इम्प्योरिटी है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगी और केवल उसमें क्या बच जाएगा, प्योर गोल्ड बच जाएगा। तो आप देखिए ये इम्प्योर मेटल है, इम्प्योर मेटल में देखिए एयर पास कर रहे हैं, बहुत जो ब्लास्ट ऑफ एयर, बहुत तेज एयर इसमें पास करते हैं और धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें से देखिए इम्प्योरिटी हटने लग गई है। देखिए ऊपर से इसका ऑक्साइड बन गया, ये ऑक्साइड्स बन गए इम्प्योरिटी के, जो आप इस क्यूपेल के किनारे भी देख रहे हैं और ऊपर से भी देख रहे हैं। और पास करेंगे तो आप देखेंगे ये जो प्योर गोल्ड है, ये प्योर जो मेटल है आपको मिल जाएगा और सारी इम्प्योरिटी आप देख रहे हैं क्यूपेल की वॉल में है और कुछ इम्प्योरिटी ऑक्सीडाइज होकर क्या हो जाएगी, जो सॉलिड इम्प्योरिटी है वो तो यहाँ आ गई और कुछ इम्प्योरिटी क्या होगी, वेपर फेज में बाहर निकल जाती है। तो आप देखेंगे कि इसमें हमने किसको ऑक्सीडाइज किया है, इम्प्योरिटीज को ऑक्सीडाइज किया है, ठीक है। तो ये क्यूपेलेशन की प्रोसेस है। दूसरी प्रोसेस आप देखेंगे बेसिमराइजेशन की प्रोसेस। बेसिमराइजेशन प्रोसेस में एक बेसिमर कन्वर्टर होता है, आप देख रहे हैं ये है, ये पूरा हिल सकता है, ठीक है। बेसिमराइजेशन की प्रोसेस भी इसी तरीके की है, जहाँ पर हम इम्प्योरिटीज को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये मैंने यहाँ पर क्या लिया है, मिक्सचर लिया हुआ है, मतलब मैंने मेटल लिया हुआ था जिसको मुझे प्योरीफाई करना था और यहाँ से हॉट एयर जो है वो ब्लास्ट की यहाँ, तो उसके बाद आप देखेंगे कि जो इम्प्योरिटी होंगी वो ऑक्सीडाइज होकर यहाँ से बाहर चले जाएंगी और यहाँ पर क्या बच जाएगा, प्योर मोल्टन मेटल, ठीक है। कहाँ पर मिल जाएगा, बेसिमर। ये बेसिमर है, ये एक बेसिमर एक इस तरीके का एपरेटस है, बड़ा एपरेटस होता है और इसमें बेसिमराइजेशन में भी हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। एक मेथड मैंने आपको और बताया जोन रिफाइनिंग मेथड, और जोन रिफाइनिंग जो मेथड है इस मेथड की हेल्प से भी हम क्या करते हैं, इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं और मेटल को प्योरीफाई कर सकते हैं। तो दो मेथड मैंने आपको मेन बताए हैं इसमें, ऑक्सीडेशन एंड जोन रिफाइनिंग मेथड। ये जोन रिफाइनिंग मेथड भी आप देखेंगे तो क्या है, देखिए कि ये एक रॉड है, ठीक है। एक मेटल को एक सिलेंडर में क्या किया जाता है, उसको मूव किया, मतलब जो मेटल है, मेटल की क्या कर दी, जो इम्प्योर मेटल है उसको हम हीट करेंगे, मोल्टन इम्प्योर मेटल को। एक सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर में हम क्या करेंगे, ये इम्प्योर मेटल है, ठीक है, ये इम्प्योर मेटल है और इस इम्प्योर मेटल में ये एक हीटर है, इस हीटर को हम मूव करेंगे इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये जो इम्प्योर मेटल है ये क्या होना चलेगा, मोल्ट होना शुरू करेगा, गलना शुरू करेगा, लिक्विड फॉर्म में आ गया, देखिए। और लिक्विड फॉर्म में आएगा तो क्या होगा, इस लिक्विड फॉर्म में इम्प्योरिटीज आ जाती हैं
और जो मेटल है वो प्योरीफाई होता जाता है। देखिए हम इधर को बढ़ते जाएंगे, इस हीटर को इधर को बढ़ाएंगे तो ये जो इम्प्योर मेटल है वो इसमें घुलता चला जाएगा और इसमें इम्प्योरिटी इसमें आ जाएंगी, और जैसे जैसे हम इसको इधर मूव करेंगे ये जो मेल्ट था ये जमने लगेगा और ये प्योर मेटल यहाँ हमें सेपरेट होना लगेगा, क्या होने लगेगा, होने लगेगा। और धीरे धीरे आप देखेंगे कि इस सिलेंडर के एक एंड में तो प्योर मेटल आ जाएगा और एक एंड में क्या आ जाएगा, इम्प्योर, जो इम्प्योरिटीज हैं वो दूसरे एंड में बाद में हमें मिलेंगी। तो जनरली ये जो मेटल्स हैं इनकी जोन रिफाइनिंग से हम क्या करते हैं, प्योरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग करते हैं। तो अगर हम इस लेक्चर को कंक्लूड करें तो आपने क्या क्या सीखा है, आपने सीखा कि नेगेटिव स्टेट क्या होती है, मिनरल्स क्या होते हैं, ओर्स क्या होते हैं और मेटलर्जी क्या होती है। और मेटलर्जी जो करते हैं हम एक ओर से एक मेटल को प्राप्त करना थ्रू इकोनॉमिकल स्टेप्स, ओके। तो इसमें पहला स्टेप है ग्राइंडिंग, दूसरा स्टेप है पल्वराइजेशन, तीसरा स्टेप है कंसंट्रेशन, चौथा स्टेप है कंसंट्रेटेड ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करना, पांचवा स्टेप है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल्स, एंड छठा स्टेप जो है फाइनल स्टेप इज द प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग ऑफ इम्प्योर मेटल, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द मेटलर्जी ऑफ मेटलर्जी, मेटलर्जी मीन्स एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर। सो थैंक यू वेरी मच।